सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ एक, ओ आओ की मात्रा, दोहराई कार्य, व्याख्यान संख्या 6। प्यारे बच्चों, आज हम ओ आओ की मात्रा का दोहराई कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बच्चों, सबसे पहले आप बनाएंगे 3 लाइन का फॉर्मेट। यहाँ आपको दिनांक लिखना है और 1 लाइन छोड़कर आप यहाँ दिनांक लिखेंगे। बीच में आप डालेंगे दोहराई कार्य और 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे ओ आओ। यहाँ आपको दिन डालना है और उसके नीचे आप लिखेंगे कक्षा कार्य। ठीक है, फॉर्मेट अब आपको स्वयं बनाना है। बहुत से बच्चे फॉर्मेट गलत बनाते हैं या मम्मी से बनवाते हैं, लेकिन बेटा अब आपको बनाना है क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बनाया ना, वैसे देख करके आप बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर एक में मैंने दिया है कि वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ मैंने कुछ वर्ण दिए हैं और मात्राएं दी हैं, आपको उन्हें जोड़ करके शब्द बनाना है। चलिए देखते हैं। क, म, ओ की मात्रा, ल, म में अगर ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मो, और ल अब क्या बन गया, मोल, और ऊपर शिरोरेखा, मोल। ख देखिए, म, औ की मात्रा, स, आ की मात्रा, अब इसे जोड़ करके लिखेंगे। सबसे पहले म, म में औ की मात्रा, स, स में आ की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, मौसा। ग देखिए, ग, औ की मात्रा, र, व, लिखेंगे ग, ग में औ की मात्रा, गौ, र, व, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, गौरव। मोल, मौसा, गौरव। ख देखिए बेटा, ख ये किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, ये ल, औ की मात्रा, न, आ की मात्रा, आपको इसे जोड़ करके यहाँ लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ख, और ख में छोटी की मात्रा खी, ल, ल में औ की मात्रा, लौ, न, न में आ की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, खिलौना। अगला देखिए, द, औ की मात्रा, ड, आ की मात्रा, लिखेंगे द, द में औ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो गया ये, दो, ड लिखेंगे, ड में नीचे बिंदी आ की मात्रा, क्या बन गया, दौड़ा, दौड़ा। च देखिए, त, ओ की मात्रा, त, आ की मात्रा, लिखेंगे त, त में ओ की मात्रा, तो, त, त में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, तोता। नंबर 2 देखिए, चित्र देखकर ओ तथा औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, पहले चित्र की पहचान करनी है, फिर उसमें अगर ओ की मात्रा आए तो ओ की मात्रा लगा देनी है, और अगर औ की मात्रा का शब्द है तो औ की मात्रा लगा देनी है। देखिए, क, ये किसका चित्र है, पौधा का। अब पौधा किसकी मात्रा आएगी बच्चों, बताइए, प में ओ की मात्रा अगर लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे पो। देखिए, अगर हमने ओ की मात्रा केवल लगाई तो ये होगा
पौधा, पौधा तो नहीं होता, क्या होगा? पौधा, आओ की मात्रा, और फिर इसको शिरोरेखा इसकी बराबर कर देंगे। ठीक है, क्या बन गया ये? पौधा। ख देखिए किसका चित्र है ये, पहचाना आपने? देखिए क्या लिखा है, म खाली जगह र, अगर माँ में ओ की मात्रा लगा दे तो क्या पढ़ेंगे इसे? मोर, और ऊपर शिरोरेखा बराबर कर देंगे, क्या बन गया? मोर। ग देखिए क्या है ये, जोकर ने क्या सिर पर लगाई थी? टोपी। देखिए ट में ओ की मात्रा लगा दी हमने और ऊपर शिरोरेखा बराबर कर दी, क्या बन गया? टोपी। और ये देखिए ये क्या है, देखिए क्या लिखा है, अजार, और होता क्या है? औजार, आओ आओ जार, मोर टोपी औजार। अब ये देखिए ये क्या है, इस चित्र को आप पहचानते हैं? बेटा ये चित्र नहीं है, ये हमारी हिंदी की गिनती है, इसे मैं आपको आगे सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे आप काउंटिंग पढ़ते हैं ना 1, 2, 3, 4 तक, वैसे हम हिंदी में भी गिनती पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे करके 100 तक हम गिनती पढ़ते हैं। और ये क्या है पता है आपको? चलिए पहले पढ़कर देखते हैं, च खाली जगह द ह, अगर इसमें हम आओ की मात्रा लगा दे, अब इसे क्या पढ़ेंगे? चौदह, 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 यानी कि 14। ठीक है, इंग्लिश में जो आप 14 बोलते हो ना, ये 14 है हिंदी की गिनती में। ठीक है, और ये शब्द औ की मात्रा से बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, मिलान कीजिए। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें पहले उन्हें पढ़ना है और फिर मिलते जुलते शब्दों को आपस में मिला देना है। देखिए मोर, बोना, मोर, कोट, गौरव। अब इधर वाले शब्दों को पढ़ते हैं, कौर, शोर, खोना, सौरव, चोट। हमें क्या करना है, इधर वाले शब्दों को पहले पढ़ना है फिर इस तरफ वाले शब्दों से उन्हें मिला देना है। देखिए पहला शब्द क्या है, मोर, मोर में ओ की मात्रा है और र है ना, हमें ध्यान रखना है कि हमें मोर को इधर वाले शब्दों से मिलाना है, उसमें ओ की मात्रा भी होनी चाहिए और र भी होना चाहिए। जैसे देखिए पहला शब्द देखिए, कौर, यहाँ भी र है लेकिन इसमें आओ की मात्रा लगी है, इसलिए मोर का मिलता जुलता शब्द ये नहीं है। दूसरा शब्द पढ़ते हैं, शोर, इसमें ओ की मात्रा है और र भी है, मोर शोर। चलिए इसको मिला देते हैं, मिल सकता है ये आपस में, है ना, मोर शोर। अब देखिए बो ना, बा में ओ की मात्रा है, ना में आ की मात्रा है। अब आपको ये भी देखना है कि ना में आ की मात्रा भी होनी चाहिए और ओ की मात्रा भी होनी चाहिए। अब देखते हैं, कौर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें औ की मात्रा है और पीछे र है, शोर हो चुका। अब इधर देखिए, खो ना, ख में ओ की मात्रा है ना, ना में आ की मात्रा भी है, तो बोना खोना, ये देखिए हमने इसे आपस में मिला दिया। अब तीसरा पढ़ते हैं, माँ में आओ की मात्रा माओ र, अब हमें ध्यान रखना है कि पीछे र आना चाहिए और आओ की मात्रा आनी चाहिए इधर के शब्दों में। चलिए पहला ही पढ़ते हैं, कौ र, का में औ की मात्रा है और पीछे र भी है, तो मौर कौर बन सकता है ना, आपस में मिलाते हैं इसे, मिल गया ना। अब देखिए अगला शब्द,
क में ओ की मात्रा को ट, ओ की मात्रा भी आनी चाहिए और ट भी आना चाहिए। देखिए पहला दूसरा तीसरा तो बन चुका शब्द, चौथा पढ़ते हैं सौरव, सौरव ये तो नहीं होगा क्योंकि पीछे ट आना चाहिए और ओ की मात्रा आनी चाहिए। अगला शब्द पढ़ते हैं चोट, जमी ओ की मात्रा ट, इसे आपस में मिला देते हैं, ठीक है मिलाएंगे कोट चोट। अब क्या बचा हमारे पास, गौरव, गौरव और यहाँ के लिखा है सौरव। बेटा आपने खिलौने वाला आया पार्ट में सौरभ पढ़ा है, सौरभ भी सही है और सौरव, ठीक है तो यहाँ पे व आना चाहिए, उसके पहले र आना चाहिए और औ की मात्रा आनी चाहिए। देखिए इसमें सौरभ में है, सौ में औ की मात्रा लगी है, र व दोनों ही है ना, तो इसे हम आपस में मिलाएंगे। अगर यहाँ पे भ आ जाए ना तब आप गौरव से नहीं मिला सकते, यहाँ पे र और व है ना इसलिए मैंने इसको मिलाया है। देखिए कितनी आसानी से मिल गया हमारा ये शब्द है ना। एक बार से पढ़ लेते हैं, मोर शोर, बोना खोना, मोर कौर, कोट चोट, गौरव सौरभ। तो कितनी आसानी से हमने मिला लिया ना। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये देखिए बेटा प्रश्न नंबर चार, सही शब्द छांट कर वाक्य पूरे कीजिए। ये प्रश्न हमने अपनी पुस्तक गुलमोहर में भी किया और मैंने आपको इस प्रश्न को भी करने के लिए अलग से भी दिया था है ना, तो अब तो आप इसे आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये दोनों पाठों को मिलाकर बना गया है, ठीक है दोनों पाठों से मैंने इसको लिया है और यहाँ पे इसे एक साथ लिख दिया है। चलिए पढ़ते हैं पहले शब्द तो ता, दूसरा क्या है ढोलक, तीसरा क्या है फौजी, चौथा क्या है गौरव। देखिए यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अधूरे हैं, हमें पहचान करके इन्हें यहाँ से लेना है और सही शब्दों को यहाँ लिख करके इन अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। देखिए दौड़ा दौड़ा आया, कौन दौड़ा दौड़ा आया, तोता नहीं, ढोलक नहीं, फौजी नहीं, कौन दौड़ा दौड़ा आया गौरव। लिखेंगे हम, लिखिए ग, ग में आओ की मात्रा गौरव, गौरव दौड़ा दौड़ा आया। ख देखिए सौरभ ने को खरीदा, सौरभ ने क्या खरीदा, तोता ढोलक फौजी, सौरभ ने क्या खरीदा था फौजी। लिखेंगे फ, फ में आओ की मात्रा फौ, ज, ज में बड़ी की मात्रा जी, फौजी को खरीदा सौरभ ने, फौजी को खरीदा। ग देखिए मोर के ऊपर बैठा था, कौन बैठा था तोता, मोर के ऊपर तोता बैठा था। अब घ देखिए जोकर बजा रहा है, जोकर क्या बजा रहा है, देखिए जोकर क्या बजा रहा है ढोलक। लिखेंगे ढो ल क, ऊपर शिरोरेखा, जोकर ढोलक बजा रहा है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, गौरव दौड़ा दौड़ा आया। ख देखिए सौरभ ने फौजी को खरीदा। ग देखिए मोर के ऊपर तोता बैठा था। घ देखिए जोकर ढोलक बजा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी कर लिया। चलिए एक बार पुनः अपनी दोहराई कार्य की दोहराई कर लेते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर एक दिया गया है कि वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। पहला शब्द क्या बना, मोल।
दूसरा मौसा, तीसरा गौरव, चौथा खिलौना, पांचवा दौड़ा और छठा तोता। अब आपको ऐसे कोई भी शब्द दे दिए जाएं तो आप उसे आसानी से कर लेंगे ना, क्योंकि जहाँ ओ की मात्रा आएगी वहाँ हम ओ की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे और जहाँ आओ की मात्रा आएगी वहाँ आओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ई और बड़ी ई की मात्रा पीछे ही लिखी जाएगी। आपको ये पहचान करनी है कि ये छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है। देखिए जैसे खिलौना में छोटी की मात्रा आई हुई है ना, आई तो पीछे है लेकिन हमने इसे लगाया आगे है, क्योंकि आपको याद रखना है कि छोटी ई की मात्रा आगे से लगती। ठीक है बेटा, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान करके अपने कार्य को करना है। प्रश्न नंबर दो में मैंने दिया आपको कि चित्र देखकर ओ तथा औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। हमने चित्र की पहचान करी और सही मात्रा लगाकर शब्द को पूरा कर दिया। देखिए पहला चित्र किसका है, पौधा, पौधे का चित्र है ये ना, पौधा। दूसरा चित्र था मोर का, तीसरा टोपी, चौथा औजार। अगला चित्र किसका था, चौदह का। प्रश्न नंबर तीन में हमने क्या किया, मिलान कीजिए। हमने यहाँ पर शब्दों को पढ़ा और फिर उन्हें आपस में मिलान कर दिया। देखिए मोर शोर, बोना खोना, मौर कौर, कोट चोट, गौरव सौरव। प्रश्न नंबर चार देखिए, सही शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ हमें शब्द दिए गए थे तोता, ढोलक, फौजी, गौरव। हमने इन अधूरे शब्दों को वाक्यों को पूरा करने के लिए इन शब्दों को ध्यान से पढ़ा और फिर इन्हें लिखकर इन अधूरे वाक्यों को पूरा कर दिया। देखिए दौड़ा दौड़ा आया, कौन दौड़ा दौड़ा आया, गौरव। ये देखिए गौरव हमने लिख दिया। सौरव ने को खरीदा, किसे खरीदा सौरव ने, फौजी को खरीदा। ग मोर के ऊपर तोता बैठा था, है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, तोता। जोकर बजा रहा है, क्या बजा रहा है, ढोलक। तो इस प्रकार हमने सही शब्द को पहचान कर सही वाक्य में लिख दिया और अधूरे वाक्यों को पूरा कर दिया। अब बेटा आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 55 पढ़ो। आपको अपनी बुक खोलनी है और पृष्ठ संख्या 55 को पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए चर्चा करते हैं व्याख्यान 5 की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान 5 में मैंने गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57 करो। आशा है आपने इस कार्य को कर लिया होगा। चलिए एक बार दोहराई करते हैं। ये देखिए बच्चों, 57 पेज पर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए पहला शब्द क्या है, म औ की मात्रा, स में आ की मात्रा, क्या बन गया, मौसा। ख देखिए, क च औ की मात्रा, ल ल में बड़ी की मात्रा, कचौड़ी। ग देखिए, ग औ की मात्रा, र बड़ी की मात्रा, गौरी। मौसा, कचौड़ी, गौरी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चित्र देखकर औ की मात्रा लगाइए। क देखिए, हमने मात्रा लगा दी, क्या बन गया, कौवा। ख देखिए, हथौड़ा। ग देखिए, पौधा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 भी कर लिया है ना। ये देखिए, मैं कौन हूँ, मैं घर की रखवाली करता हूँ। कौन हूँ मैं, चौकीदार। मैं देश की रखवाली करता हूँ। कौन हूँ मैं,
नाम लिखना था ना हमें, फौजी, ठीक है। आपने इस कार्य को सही सही किया है और आपको इसे करने में आनंद भी आया होगा, है ना। तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।